हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, जिसका नाम है रामकृष्ण फोर्जिंग। ओके, लगभग 204 रुपये पे ये शेयर चल रहा है, आज लगभग 4% ये ऊपर है। क्यों ये शेयर से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ, तो अब जब हम इसका चार्ट पैटर्न को यहाँ पर देखेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एक बेहतरीन नंबर और बेहतरीन यहाँ पर ये शेयर आपको रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। तो इस वजह से ये शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे, बट बिफोर दैट रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की स्टडी करें। एज वेल एज यहाँ पर बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो रिक्वेस्ट रहेगी कि सब्सक्राइब कर दीजिए दोनों चैनल को। और हमारे बहुत सारे लोगों ने बेल आइकन को हिट नहीं कर रखा है, तो हिट कर लीजिए, क्योंकि उस वजह से आपको वीडियोस नहीं मिल पाती। एक वीडियो SBI कार्ड्स आप ऑलरेडी यहाँ पर डाल रखा है, तो जाके यहाँ पर देख लीजिए। तो आरके फोर्जिंग की अगर मैं बात करूँ, तो आरके फोर्जिंग का चार्ट मैंने यहाँ पर आज सुबह सुबह यहाँ पर शेयर किया था और आपको बताया था कि यहाँ पर एक अच्छा खासा पैसा आपका बनता हुआ नजर आ सकता है। तो इस शेयर एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पर आरके फोर्जिंग। तो आरके फोर्जिंग का चार्ट यहीं पर ही आपको दिखाई दे जाएगा, तो मैं आपको एक मिनट लूंगा। तो आप देखिए आरके फोर्जिंग यहाँ पर, ये स्टॉक से रिलेटेड मैं आपको चार्ट आपको डाल दिया, इसलिए कह रहा हूँ ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए इन्वेस्ट फॉर एवर। ओके, और एट द रेट ट्रेडिंग दिल से आप डालेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आरके फोर्जिंग की अगर बात करें, एक बेहतरीन शेयर नजर आता है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये ऑटोमोबाइल्स एंड रेलवे वेगन्स कोचेज एंड इंजीनियरिंग पार्ट्स से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। फोर्ज प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इस कंपनी से रिलेटेड कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या है। एक बार इनकी वेबसाइट पर जाएंगे ना, तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपको नजर आ जाएगा, जैसे कि रोल्ड प्रोडक्ट ये बनाते हुए नजर आते हैं, फोर्ज प्रोडक्ट ये बनाते हुए नजर आते हैं, मशीन एज वेल एज एप्लीकेशन से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। काफी बेहतरीन का ये यहाँ पर कंपनी यहाँ पर नजर आती है। यहाँ पर बात करें एक्सपोर्ट की, तो कंपनी यहाँ पर ट्रॉय USA में, यहाँ पर बात करें साओ पॉल ब्राजील में, इटली में, ओके, यहाँ पर जर्मनी में, टर्की में, एज वेल एज ढाका में, यहाँ पर सब जगह इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल होते हुए, मतलब एक्सपोर्ट करते हुए ये दिखाई देते हैं। तो काफी बेहतरीन यहाँ पर शेयर है। क्लाइंट की बात करें तो यहाँ पर इनके क्लाइंट्स भी देख सकते हैं। डोमेस्टिक क्लाइंट की बात करें, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, आयशर ऑटोमोटिव एक्सेल, इसके अलावा ये बैंस यहाँ पर BE कमर्शियल व्हीकल्स, अर्थ मूविंग माइनिंग में BEML एज वेल एज टाटा हिताची, बर्को, टैफेसेल, ये जितने भी NTPC, बेल रैंक, टिमकेन, NBC, एज वेल एज बात करें यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस में, तो इंटरनेशनल बिजनेस में यहाँ पर आपने नाम नहीं सुने होंगे बट कुछ नाम यहाँ पर सुन रखे हैं, इसकी डैमलर, वॉल्वो, ओके, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और भी बड़ी बड़ी कंपनी है, ओके, रेलवे से रिलेटेड भारतीय कंट्रीज हो गई, उनमें ये कंपनी यहाँ पर क्या करती दिखाई देती है, अपने प्रोडक्ट्स देती हुई दिखाई देती है। और आज एक न्यूज भी है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी को यहाँ पर एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है, कितने रुपए का, लगभग 2.58 मिलियन, मतलब 205 मिलियन रुपीज का यहाँ पर इन्हें एक ऑटो ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया पर एनम, एक फॉर सप्लाई ऑफ मेटल बार्स इन नॉन ऑटो सेगमेंट के लिए। तो यहाँ पर इस वजह से भी यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर मूवमेंट है इस पर्टिकुलर शेयर में, एज वेल एज न्यूज। और जब न्यूज प्लस में चार्ट दोनों चीजें मिल जाती हैं तो शेयर में और मजा आ जाता है, तो वो ही यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। बट उससे पहले चार्ट देखिए, तो यहाँ पर कुछ चीज और फाइनेंशियल देख लेते हैं जो कि फंडामेंटल का एक पार्ट है। तो मार्केट कैप की बात करें, 3270 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें, 14 का PE है, इंडस्ट्री का PE 16 का है। एज वेल एज हम यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट, पिछले 5 साल में लगभग 80% के हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा है। सेल्स की बात करें, 21% के हिसाब से सेल्स बढ़ी है, ये एक बेहतरीन नंबर है। PEG रेशियो काफी बेहतरीन है, ओके, ROC ROE काफी बेहतरीन है। कंपनी की बात करें, इंट्रेंसिक वैल्यू 230 के आसपास है और EC के आसपास ये शेयर चल भी रहा है। और यहाँ पर देखेंगे 252 का हाई लगा के यहाँ पर शेयर गिरा था, इसने बोनस वगैरह दिया था और उसके बाद शेयर अब दोबारा भागता हुआ नजर आ रहा है। जब भी यहाँ पर गिरावट हुई है, शेयर ने एक अच्छी खासी मूव दी है जब भी यहाँ पर गिरावट हुई है, तो ये ही गिरावट थी, एक अलग मूव दे दी है और यहाँ पर दोबारा मूव देता हुआ नजर आएगा। ऑटो सेक्टर ऑलरेडी यहाँ पर टॉप पे है, पिछले 5 साल में लगभग 80% के CAGR से यहाँ पर शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी की सारी यहाँ पर ग्रोथ की बातें करती हुई दिखाई देती है। इसके रिजल्ट की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट देखिए, हाईएस्ट एवर यहाँ पर पिछले 2-3 क्वार्टर से हाईएस्ट एवर सेल्स आ रही है।
एज वेल एज मार्जिन देखे तो 22% के आसपास की मार्जिन आ रहा है, ओके, जो कि एक एवरेज थोड़ा सा कम दिखाई देता है, बट स्टिल जब वो हम समझ सकते हैं जस्ट बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ा है और एम्प्लॉयज कॉस्ट यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, ओके, इस वजह से। और एम्प्लॉय कॉस्ट एक ही बार होती है, अब साल भर के लिए खत्म। यहाँ पर बात करें नेट प्रॉफिट, तो ये देख सकते हैं 47 करोड़ रुपीज के आसपास का नेट प्रॉफिट है, और इससे पहले 87 था, 45 था, एक साल पहले लगभग 25 करोड़ था। तो कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। सेल्स की बात करें, सेल्स लगातार कंपनी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स 405 करोड़ से लगभग 2600 करोड़ की सेल्स हो गई है, नेट प्रॉफिट 9 करोड़ से 225 करोड़। तो यहाँ पर ग्रोथ नजर आती है, और जब चीजें यहाँ पर ग्रोथ नजर आती है ना, तो चीजें भागती हुई नजर आएगी। और जब भी यहाँ पर मार्जिन ईयरली बेसिस पे हाईएस्ट एवर रहा है ना, उस टाइम यहाँ पर शेयर हमेशा टॉप पे रहा है। इस चीज को देखिए, हाईएस्ट एवर यहाँ पर मार्जिन है, तो शेयर यहाँ पर टॉप पे रहेगा। तो इस चीज को भी थोड़ा सा हमें यहाँ पर क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो जब हम ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे, ऑब्वियसली बात है चीजें हमें अच्छा पैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, रिजर्व्स भी अच्छे खासे। बट साथ में एक चिंता वाली बात है कि कंपनी की बोराइंग साथ साथ बढ़ती जा रही है, इस वजह से अगर हम देखेंगे तो लगभग 100 करोड़ के आसपास का तो केवल इंटरेस्ट ये पे कर रहे हैं। इन्हें अपनी बोराइंग पे ध्यान देना चाहिए। वर्किंग प्रोग्रेस में 129 करोड़ रुपए यहाँ पर लगा रखे हैं कंपनी ने, ओके, इन्वेस्टमेंट 55 करोड़ का। कैश की बात करें तो कैश भी कंपनी के पास लगभग 38 करोड़ के आसपास का कैश है। यहाँ पर देखें तो लगभग 150% के आसपास का यहाँ पर डेट भी है। प्रमोटर्स अपने शेयर बेच नहीं रहे, 46.24% की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है। FIs ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है। DIs की बात करें, DIs के पास लगभग 5% की हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास 35% की हिस्सेदारी है, बट उसमें भी देखेंगे कुछ बड़े बड़े यहाँ पर नाम नजर आते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें चार्ट की, तो चार्ट यहाँ पर काफी अच्छा नजर आता है। शेयर ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट हो गया है, ओके, बट ये एक अपॉर्चुनिटी है। एक तो इन्हें ऑर्डर मिला है, न्यूज प्लस में यहाँ पर देखे तो एक ब्रेकआउट था जो कि आज के डेट में यहाँ पर होता हुआ नजर आया, ओके, बट ऊपर से थोड़ा सा ये गिरता हुआ नजर आया है। तो सबसे पहले तो ये शेयर यहाँ पर एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। इस सपोर्ट या इसके इस कैंडल इस ब्रैकेट में अगर ये शेयर मिलता है आपको 197, ओके, और 182, मतलब 10 से 15 रुपए ये शेयर नीचे मिलता है या इस ब्रैकेट में आ जाता है, तो याद रखिए आपको बाइंग करने के बारे में सोचना चाहिए। उस टाइम ये शेयर और तेज भागता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। ये कब बनेगा? थोड़ा सा नीचे आएगा, हैंडल बनेगा, और उसके हिसाब से जब ये शेयर भागेगा तो कब विद हैंडल पैटर्न बना के शेयर भागता हुआ नजर आएगा। रिजल्ट एकदम बेहतरीन आ रहे हैं, इस बार के भी रिजल्ट अच्छे खासे आने ही हैं कंपनी के, और ये अपने ऑल टाइम हाई लगभग 250 रुपीज तक जाता हुआ नजर आएगा, और एक अच्छे खासे लगभग 20-25% के रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे। और कंपनी जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, ऑटो स्टॉक्स जिस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो एंसिलरी स्टॉक्स भी साथ साथ मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर नहीं रुकने वाला एक और हाई बनाता हुआ नजर आएगा, जो कि मैं आपको बता भी रहा था कि यहाँ पर देखिए हाईएस्ट एवर मार्जिन आ रहे हैं। जब मार्जिन अच्छे आते हैं तो चीजें अच्छी खासी और भागती हुई नजर आती है। तो मेरे पास ये शेयर ऑलरेडी पहले से ही पड़े हुए हैं, ओके, तो इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। रामकृष्ण फोर्जिंग एक बेहतरीन शेयर है। यहाँ पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर आप सोच सकते हैं शेयर के बारे में। इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, नितेश कुमार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरी वीडियोस को जाके देखिएगा तो चीजें और समझ में आएगी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।